महाराष्ट्र सरकार ने अपना बजट पेश किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में बजट पेश किया। इस बार बजट में किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। केंद्र के किसान सम्मान निधि के तर्ज पर अब राज्य में किसानों को सालाना 6,000 रुपए और दिए जाने की बात कही है। यही नहीं, किसानों के लिए इस बजट में सिर्फ 1 रुपए में पीएम फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। इसके साथ ही मेट्रो, हवाई यात्रा, लड़कियों और खिलाड़ियों के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया है। इसके अलावा स्वास्थ्य पर भी फोकस किया गया है। जैसे कि सरकार ने महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना में बीमा कवर 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए करने का ऐलान किया है। साथ ही लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए लेक लाड़की योजना को अब नए रूप में लाडली लड़की के रूप में बदल दिया है। जन्म के बाद प्रति लड़की को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। पहली कक्षा 4,000 रुपए और छठी कक्षा में 6,000 रुपए देने का प्रावधान किया है। 11वीं में 8,000 रुपए लड़की को दिए जाएंगे। बालिका के 18 वर्ष होने पर उसे 75,000 रुपए दिए जाने की बात कही है। इस योजना का पीले और नारंगी राशन कार्ड धारक परिवारों को ही लाभ मिलेगा। साथ ही खिलाड़ियों के लिए प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए मिशन फोकस शुरू होगा। पुणे में खेल विज्ञान केंद्र स्थापित होगा। 50 करोड़ में छत्रपति संभाजी नगर में नई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुलेगी। नागपुर में 100 करोड़ रुपए में संभागीय खेल परिसर के लिए आवंटित किया गया है। ऐसे ही मुंबई मेट्रो 10, 11, 12 के लिए भी कई करोड़ रुपए देने की बात कही है। नागपुर मेट्रो पुणे मेट्रो के साथ दूसरी ओर शिरडी एयरपोर्ट पर नया पैसेंजर टर्मिनल के लिए 527 करोड़ का फंड का ऐलान भी किया गया है।